हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो कि गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे प्लांट्स में आपको दिखाऊंगी। सिंगल सिंगल ना होके गुच्छों में फ्लावरिंग करने से आपकी बगिया जो है गर्मियों में इतनी फूलों से भरी रहेगी। तो आप इन प्लांटों को ज़रूर देखिए और अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों। और आज का वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लांट्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये है एक्जोरा का प्लांट। तो एक्जोरा का प्लांट जो है दोस्तों गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। और अब इसका मौसम है, डोरमेंसी से बाहर निकल चुका है ये। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक कटिंग ये लगा चुकी हूँ, तो आप कटिंग से भी इसको रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी एक एक्जोरा की वेराइटी है। तो बहुत कलर्स पैटर्न्स में आता है ये फ्लावर। अगला फ्लावर है दोस्तों डबल चांदनी का। ये मैं आपको डबल चांदनी दिखा रही हूँ, इसी में एक सिंगल चांदनी भी आती है। तो ये दोनों ही प्लांट सिंगल पेटल डबल पेटल वाले ये भी भर भर के मतलब गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये प्लांट भी आप ऐड कर सकते हैं। अगला प्लांट है प्यूमेरिया यानी कि चंपा का प्लांट। ये प्लांट बहुत जल्दी लग जाता है दोस्तों। इसकी डंडी तोड़ के एक दिन आप इसका सैप सूख जाने दीजिए और आप कटिंग से इसको बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं और कम पानी में, और इसको धूप में रख सकते हैं आप, क्योंकि अभी आगे आने वाली गर्मी में बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और भीनी भीनी खुशबू आती है इसके फ्लावरिंग में से। और अब तो ये कई कलर्स में आने लगा है। अगला प्लांट है दोस्तों विंका का। तो विंका भी बहुत ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये भी देसी भी आता है और हाइब्रिड भी आता है। ये देखिए देसी की तो कहने क्या, देसी में भी दो कलर आते हैं वाइट और पिंक। तो ये पूरी गर्मी बिल्कुल आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देगा। और ये भी लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर शामिल कीजिए और इसको फुल गर्मी में आप रहने दीजिए। इसको आप कुछ ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल आपको मतलब लो मेंटेनेंस में ये चलने वाला प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों मोगरा का। तो ये तो हम हर गार्डनर को पसंद है, इतना खुशबूदार प्लांट होता है कि इसके ये जो फूल देखिए कितने गुच्छों में फूल आते हैं इसके भी। और बस अब इसका फ्लावरिंग का टाइम आ चुका है, देखिए कलियाँ आ रही हैं। तो इसमें भी एक बेल वाला भी होता है मोगरा और एक स्टार मोगरा होता है। तो मैंने आपको दोनों ही दिखाए हैं। तो मोगरा की वैरायटी आप ज़रूर शामिल कीजिए, दो चार प्लांट रखिए अपने गार्डन में, ज़रूर खुशबू खुशबू से महका रहेगा। अगला प्लांट है दोस्तों बोगनवेलिया। तो ये देखिए बोगनवेलिया का तो कहना ही क्या, इस समय फुल ब्लूमिंग पे है हमारा बोगनवेलिया। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड अगर आप रखना चाहते हैं, हाइब्रिड तो पूरे साल आपको फ्लावरिंग करेगा। और देसी भी है मेरे पास, ये देखिए देसी के दो कलर हैं। तो ये भी अब फ्लावरिंग चल, इसका बस यही टिप है दोस्तों, जैसे जैसे इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आगे आगे से आप इसकी टिप्स की कटिंग सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए। जितनी आप इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतनी ये फ्लावरिंग ज़्यादा देगा। और पानी इसमें बहुत कम डालना है, जब तक इसकी मिट्टी 2 इंच तक सूखे नहीं तब तक आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, यही इसका एक मेन टिप्स है। अगला फ्लावर जो देख रहे हैं आप दोस्तों ये है टिकोमा का। तो ये ड्रॉप वैरायटी है, गमले के लिए बहुत बेस्ट वैरायटी है। छोटे छोटे आप छोटे छोटे प्लांट होते हैं और 10-12 इंची के पॉट में बड़े आराम से चलते हैं और बहुत भर भर के ब्लूमिंग करते हैं। ये देखिए एक ये दूसरा कलर है इसका, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। टिकोमा ज़रूर आप शामिल कीजिए और ये समय बिल्कुल परफेक्ट है टिकोमा को लगाने का। और गर्मी में आपको बिल्कुल फूलों की कमी ये महसूस नहीं होने देगा और गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। तो ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता दोस्तों, मगर हाँ हैवी ब्लूमिंग है तो इसको थोड़ा थोड़ा कुछ लिक्विड आप ज़रूर देते रहिए, इसको फर्टिलाइज़र देते रहिए। अगला प्लांट है दोस्तों पेंटास। ये भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये मेरा पिंक कलर का अभी मैंने रिपोर्ट किया है थोड़े दिन पहले, बिल्कुल छोटे से पॉट में कहीं से कटिंग ला के लगाई थी। तो ये देखिए इसका इस तरह के गुच्छों में फ्लावर आते हैं पेंटास के भी, तो पेंटास को ज़रूर शामिल कीजिए दोस्तों। और ये है देखिए दोस्तों ये है बेल वाला गुलाब यानी कि बेलिया गुलाब। इसमें तो इतनी फ्लावरिंग आती है ज़बरदस्त, इसको बड़ा पॉट दीजिए तो भर भर के ब्लूमिंग आएगा। और इसको फर्टिलाइज़र भी ज़रूर देते रहिए क्योंकि इसको ये देखिए इस तरह की बेल चलती है इसकी, और जितनी जितनी आप कटिंग करते रहेंगे इसकी उतनी उतनी फैलती रहेगी और गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। ये भी हैवी फीडर है, इसको ज़रूर हर महीने इसको आप कंपोस्टिंग करते रहिए तो ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा आपके गार्डन में। और बड़ा पॉट दीजिए इसको। ये है दोस्तों लेंटाना। लेंटाना भी बहुत सुंदर प्लांट है, भर भर के गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये दो कलर में मेरे पास है, एक ये कलर है और एक ये येलो कलर है। तो दोनों ही बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं
और ये तकरीबन पूरे साल ही करता है, बिल्कुल थोड़े से दिन बीच बीच में रुक जाएगा। जैसे ही इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आप फटाफट इसकी टिप्स की कटिंग कर दीजिए और नई फुटाव आते ही ये फिर फ्लावरिंग पे आ जाता है। तो ये पूरे साल एक तरह से फ्लावरिंग करता है, कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। ये है दोस्तों नाइट जैस्मिन, रात की रानी, इसकी वेल भी आप लगा सकते हैं, ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग करती है। यानी कि जलापा, ये भी बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और दो तीन कलर्स इसके भी आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है, इजी मेंटेनेंस वाला प्लांट है। अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों ये है सावनी, ये भी कई कलरों में आती है और गुच्छों में आती है। मेरे यहाँ तो सावनी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारा पर्सुलेन एंड पर्चुलोका, देखेंगे आप आगे तो ये भी बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। इसके बिना तो हमारा समर गार्डन अधूरा है, क्योंकि ये भी कम पानी में और फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट है, तो गर्मी में इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए, ये भी पूरा गार्डन को फूलों से भरा रखेगा। अगला फ्लावर जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये है मैक्सिकन पिटोनिया, ये हाइब्रिड वाले बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, ये भी दो तीन कलर्स में आते हैं। और अगला जो ये मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ दोस्तों ये है टेक्सास सागो, और इसका जब ये ब्लूमिंग पे आता है दोस्तों तो इतनी गुच्छों में ब्लूमिंग आती है इसकी, पर्पल कलर के बड़े ही वाइब्रेंट कलर के गुच्छों में फूल देता है और बारिश के समय में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और अगला फ्लावर दिखा रही हूँ दोस्तों आपको, रेन लिली, ये सबका पसंदीदा होगा और जब इसमें फ्लावरिंग के टाइम जब आता है ये फ्लावर देने पे तो इसके पत्ते कम दिखाई देते हैं और ऊपर बिल्कुल स्टिक इसकी निकल के आ जाती है और इसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो ये भी येलो पिंक और वाइट कलर में आता है दोस्तों, तो इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, आप इसको बल्ब के द्वारा लगा सकते हैं, एक दो चार बल्ब लगा देंगे तो इतने बल्ब आगे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे कि आप अगले साल तक पूरा आपका गमला भर जाएगा। अगला प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ दोस्तों जट्रोफा, बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये भी देखिए आपको कलियाँ दिख रही, गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और फुल धूप में चलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से भी लगा सकते हैं, तो इसको ज़रूर शामिल कीजिए। अगला जो प्लांट दिखा रही हूँ दोस्तों ये है कनेर का, ये हाइब्रिड कनेर है, ये छोटी हाइट में रहती है और देसी कनेर भी आती है और देखिए भर भर के गुच्छों में फ्लावरिंग करती है दोस्तों। इसके भी कई कलर पेटल्स आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, सब तरह के आजकल आने लगे हैं और कलर्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी है, तो आप इनको भी ज़रूर शामिल कीजिए। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, फुल धूप में चलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती, पानी भी कम चाहिए। अगला प्लांट जो देख रहे हैं दोस्तों ये है यूफोबिया मिली, तो ये भी आप बहुत हार्डी प्लांट है, धूप में चलने वाला है, कम पानी चाहिए इसको, कम खाद चाहिए और छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा नर्सरी पॉट है, मैंने इसको इसी में लगाया हुआ है और ये भी पूरी गर्मी आपको भर भर के ब्लूमिंग करेगा। थोड़ा बस इसमें कांटे होते हैं दोस्तों, तो अपने पैड्स और बच्चों से थोड़ा सा बचा के थोड़ा हाइट पे रखिए। ये है मिनीचर गुलाब, मिनीचर गुलाब भी भर भर के फ्लावरिंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये जो मैंने प्लांट दिखाए हैं फुल धूप में चलने वाले हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।